क्वेश्चन नंबर थ्री का ए पार्ट और बी पार्ट, तो थ्री में क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। अब ये मीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे मीटर से किलोमीटर मतलब बड़ा से नहीं, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जा रहे हैं, इसके मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे इस तरह से बनाना है हम लोग को, यहाँ पे वन मीटर, वन मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, ये इस तरह से रहता है, यहाँ पे आप समझ लें, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हो गया। और इसी को जब हम पलट के लिखेंगे, अगर 1 मीटर हम लिखते हैं, 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू, तो हमको लिखना पड़ेगा 1/1000 किलोमीटर, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमको जिस तरह से बनाना है उसी तरह से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। या अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट लेना रहता तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहाँ पे अभी लेना नहीं है, हम लोग को इस तरह से चलना है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो हमारे पास है 4 मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 1, 2, 3 के बाद इधर पॉइंट लगेगा, इसका मतलब है कि 0.004, 1, 2, 3 यहाँ पॉइंट लगा, तो यहाँ पे इतना किलोमीटर हो जाएगा, 0.004 किलोमीटर, और ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमको बी नंबर को भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो 1 मीटर, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो हमारे पास है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 40/1000, 3 0 है मतलब 1, 2, 3, यहाँ पे इतना 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.0 लगा देंगे, 4 0, 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गया किलोमीटर, ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का सी और डी पार्ट है हमारे सामने, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 76 है, मीटर इक्वल टू, तो 76/1000 तीन डिजिट के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.076, तो 1, 2, 3 के बाद पॉइंट हो गया, इतना किलोमीटर हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसको लेते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। आप इसको डायरेक्ट अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तब भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन सिस्टम से बनाना है अच्छा रहेगा। तो 952 मीटर इक्वल टू 952/1000 तीन डिजिट है, और 3 डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है, तो इधर से हम 0 पॉइंट लगाएंगे, और 952 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का ई और एफ पार्ट हम लोग के पास, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ किलोमीटर ऑलरेडी जो है उसको कन्वर्ट नहीं करना है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, और इसको बाद में हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ कन्वर्ट करते हैं इसको, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, तो 3 मीटर हमारे पास है, 3/1000 इक्वल टू आ जाएगा 0.003 किलोमीटर, इसको हम ऐड कर देंगे, तो पॉइंट के पहले इसको लिखेंगे और बाकी पॉइंट के बाद, तो इधर ये है ही, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4.003 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से इसको लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करना है, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और हमारे पास है 159 मीटर इक्वल टू 159/1000 इक्वल टू कितना आ गया, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट ऑलरेडी है ही, 0.159, ये इतना आ गया, ये इतना किलोमीटर हो गया। अब ये जो है पॉइंट से पहले हम 18 लिखेंगे, तो कितना हो गया, 18.159 किलोमीटर, और ये होगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का जी और एच पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है एक्सरसाइज 52 का, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ भी किलोमीटर नहीं, यहाँ पे जो है दूसरा दिया हुआ, डेसीमीटर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना होगा। तो यहाँ पे हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 49 मीटर दिया हुआ है इक्वल टू 49/1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0
एक दो तीन, तो एक दो तीन यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, 049 मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया ये। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले इसको लिखेंगे और बाकी इसको लिख देंगे, इक्वल टू 7.049 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। इसमें हम लोगों को डेसीमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो डेसीमीटर से, तो यहाँ डेसीमीटर हो गया, यहाँ मीटर हो गया, यहाँ पे डेकामीटर हो गया, और यहाँ पे हेक्टोमीटर हो गया, उसके बाद किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में हम 1000 चल रहे थे, यहाँ से वहाँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1 पे 3 जीरो लगाएं तो 1000 चले, और यहाँ पे जो डेसीमीटर जाने के लिए हमको 10000 चलना पड़ेगा, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10000 चलना पड़ेगा, मतलब एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, एक स्टेप इसमें बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10000 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 17500 डेसीमीटर है, इक्वल टू कितना हो गया, 17500/100000, 10000। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जीरो है, मतलब 1, 2, 3, 4 के बाद इधर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ कितना हो गया, 1.7500 किलोमीटर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 52। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।